हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं इन द किंगडम ऑफ फूल्स, मूर्खों का साम्राज्य। यह एक कन्नड़ फोक टेल है, लोक कहानी है कन्नड़ की, जिसे लिखा है ए के रामानुजन ने। आज हम इस लेसन के क्वेश्चन और आंसर्स करने जा रहे हैं, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू स्ट्रेंज थिंग्स द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड इन द किंगडम ऑफ फूल्स। कौन सी दो विचित्र चीजें थी जो गुरु और शिष्य ने उस मूर्खों के साम्राज्य में पाई थी। फर्स्ट थिंग वॉज दैट नो शॉप वॉज ओपन, दे कुड नॉट गेट एनीथिंग टू ईट टिल सनसेट। उन्होंने देखा था सबसे पहले कि कोई भी दुकानें खुली नहीं थी और जब तक के सनसेट ना हो, आफ्टर सनसेट एट नाइट, यानी कि सनसेट के बाद, सूर्य अस्त के बाद रात में पीपल वोक अप, लोग जागते थे, एंड स्टार्टेड देयर डूइंग देयर जॉब। द सेकेंड स्ट्रेंज थिंग वॉज दैट एवरीथिंग हैड यूनिफॉर्म रेट्स ओनली वन डूडू। रात के समय लोग जागते थे और अपने कार्य पर लग जाते थे। दूसरी स्ट्रेंज ये थी कि हर चीज वहां पर सिर्फ मात्र एक सिक्के में प्राप्त हो जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाई डज द डिसिपल डिसाइड टू स्टे इन द किंगडम ऑफ फूल्स। क्यों शिष्य ने यह निर्णय किया कि उसे मूर्खों के साम्राज्य में रहना है। इज इट अ गुड आइडिया, क्या यह एक अच्छा विचार है। द डिसिपल decided to stay in the kingdom of fools. Disciple यानी शिष्य, जो कि निर्णय लेता है कि उसे मूर्खों के साम्राज्य में रहना है, क्योंकि of cheap and good food, उसे सस्ता और अच्छा खाना मिलता था। No, it is not a good idea. और नहीं, यह एक अच्छा विचार नहीं है, क्योंकि because it is dangerous to live with fools, क्योंकि मूर्खों के साथ रहना खतरों से खाली नहीं है। इसके पश्चात हमारा थर्ड प्रश्न है, नेम ऑल द पीपल हु आर ट्राइड इन द किंग्स कोर्ट एंड गिव रीजंस फॉर देयर ट्रायल। उन लोगों के नाम बताना है जिसे मुकदमे के लिए किंग्स के दरबार में बुलाया गया था, और उसका कारण भी बताना है। द आंसर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल द मर्चेंट हुज वॉल कोलैप्स्ड कॉजिंग थीफ्स डेथ वाज कॉल्ड फॉर सच अ वीक वन। सबसे पहले उस व्यापारी को बुलाया जाता है जिसकी दीवार गिरने की वजह से चोर की मृत्यु हुई थी। He blamed the mason, वह मिस्त्री पर आरोप लगाता है। Then mason was called, मिस्त्री को बुलाया जाता है। He blamed the dancing girl whose diverted his mind, the dancing girl was called, वह डांसिंग गर्ल पर अपना आरोप सिद्ध करता है और डांसिंग गर्ल को फिर वहां पर बुलाया जाता है। The blame on Goldsmith who made her walk up and down the street many times. वह अपना आरोप उस सुनार पर जड़ दी थी जिसने उसे कई बार उस जगह पर बुलाया था। The goldsmith was called, उसे बुलाया जाता है। He blamed on the rich merchants who had in order to make jewelry for him. वह एक रिच व्यापारी पर अपना आरोप जड़ देता है जिसने उसे जल्दी बनाने के लिए कहा था। The merchant was the same person whose wall collapsed. और वह व्यापारी वही व्यक्ति था जिसकी दीवार गिरी हुई थी। अगला प्रश्न है, हु इज द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग्स। राजा के अनुसार सही अपराधी कौन है। व्हाई डज ही एस्केप पनिशमेंट, और वह पनिशमेंट से कैसे बच जाता है, वह सजा से कैसे बच जाता है। द आंसर इज, अकॉर्डिंग टू द किंग्स द रियल कल्प्रिट इज द रिच मर्चेंट। राजा के अनुसार वो धनी व्यापारी ही अपराधी है। Whose wall collapsed and killed the thief, जिसकी दीवार, जिसकी घर की दीवार जो थी गिर चुकी थी और चोर मर चुका था। He escaped punished, वह बचता है because he was too thin to fit in the stake, क्योंकि वह बहुत ही दुबला पतला था और फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ पाता था, उसे फांसी नहीं लगाई जा सकती थी, इसलिए वह पनिशमेंट से बच जाता है। क्वेश्चन इज, व्हाट आर द गुरुज वर्ड ऑफ विजडम, गुरु के बुद्धिमत्ता वाले शब्द कौन से थे। व्हेन डज द डिसिपल रिमेंबर देम, और शिष्य उन्हें कब याद करता है, कब उसे ध्यान में आता है। गुरु टेल्स हिज डिसिपल दैट
इट इज नॉट सेफ टू लीव विद फूलिश पीपल। गुरु यह कहता है शिष्य से कि यहाँ पर रहना, मूर्खों के साथ रहना उचित नहीं है, सुरक्षित नहीं है। लेट्स गो, चलो चलते हैं। बट द ग्रीडी डिसिपल वॉज नॉट लिसन टू हिज वाइस गुरु। लेकिन डिसिपल शिष्य जो है नहीं सुनता है उसके चतुर गुरु की आवाज। एंड स्टेज ऑन इट इन द किंगडम ऑफ फूल्स, और वह मूर्खों के साम्राज्य में रुकना स्टार्ट कर देता है। When the king's men take the disciple to who had grown fat and is fit for the stake, जब राजा के आदमी लोग आते हैं उस शिष्य को ले जाने के लिए क्योंकि वह फिट होता है फांसी के फंदे के लिए, इंस्टेड ऑफ द मर्चेंट हु वाज थिन, उस मर्चेंट के अलावा जो बहुत दुबला पतला था। द डिसिपल प्लीड्स दैट ही इज इनोसेंट। डिसिपल माफी मांगता है कि वह अपराधी नहीं है, इनोसेंट है। बट नो वन लिसन टू हिम, लेकिन कोई नहीं सुनता। देन ही रिमेंबर द हिज गुरुज वर्ड ऑफ विजडम, तब उसे याद आते हैं गुरु के बुद्धिमत्ता वाले शब्द। How does the guru manage to save his disciple's life? कैसे गुरु जो है अपने शिष्य की लाइफ को बचाते हैं? Disciple was brought for execution because he was fit in the stake. शिष्य को लाया जाता है फांसी के फंदे के लिए क्योंकि वो फांसी के फंदे के लिए फिट होता है। He remembered his guru who arrived at once. वो अपने गुरु को याद करता है, गुरुजी वहाँ पर आ जाते हैं। द गुरु स्पर्ड द प्लान इन द डिसिपल्स ईयर, गुरु एक प्लान उसके कानों में फुसफुसाते हैं। एंड स्टार्टेड क्वारलिंग, और झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। द किंग आस्क्ड द रीजन फॉर देयर क्वारल, राजा जो है उनके झगड़े का कारण गुरु से पूछता है। कारण में गुरु बताते हैं, द गुरु टोल्ड हिम द सीक्रेट दैट हूएवर वुड डाई फर्स्ट, कि जो कोई भी पहले मरेगा ऑन द स्टेक फांसी के फंदे पर चढ़ेगा, वुड रूल दैट किंगडम, और वह राज्य करेगा उस साम्राज्य में। इन द नेक्स्ट लाइफ, अगले जन्म में, द सेकेंड टू डाई वुड बी रिबोर्न अस मिनिस्टर, और जो दूसरा उस फांसी के फंदे पर लटकेगा वह मिनिस्टर के रूप में जन्म लेगा। द फूलिश किंग वॉज ट्रैप्ड इन गुरु ट्रिक, और जो फूलिश राजा जो थे, मूर्ख राजा जो थे, वह गुरु के जाल में फंस जाते हैं। द किंग टोल्ड द मिस्ट्री टू हिज मिनिस्टर, राजा जो है यह रहस्य अपने मंत्री को बताते हैं। बोथ डिस्गाइज्ड देमसेल्फ एज गुरु एंड डिसिपल, दोनों गुरु और शिष्य का रूप धारण कर लेते हैं। हु वर सेट फ्री व्हाइल दे देमसेल्फ गॉट एग्जीक्यूटेड, दोनों को रिहा कर दिया जाता है और वहाँ पर किंग और मिनिस्टर फांसी पर चढ़ा दिए जाते हैं। दस द गुरु सेव्ड हिज डिसिपल्स लाइफ, और इस प्रकार गुरु जो है अपनी चतुराई से शिष्य की लाइफ और उनके जीवन बचा ले। वो कहानी जिसे लिखा था A.K. रामानुजन ने, मूर्खों का साम्राज्य। अगली बार कोई नई कहानी लेकर प्रस्तुत होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।